मांगनी सा वेलकम बैक टू माय चैनल दे दुर्गा राठौर और मैं हूं आपकी दुर्गा और ये हैं आपके देवेश। जैसे कि आप चैनल में याद दो नाम हमारा ने आपने खुद नहीं बनाया था ये तो आप मेरे को बोल ही नहीं सकते कि मेरा आधा नाम है या पूरा नाम। सो ये चीज आपको मैं फर्स्ट टाइम बता रही हूँ क्योंकि मेरा चैनल का नाम बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये सिर्फ मेरा ही नाम है, मेरा नाम नहीं है, हम दोनों का नाम मिला के इन्होंने ही मेरा यूट्यूब चैनल बनाया था, नाम बनाया था, इनका आधा नाम है और मेरा पूरा नाम है। वैसे आधा नाम इसलिए रखा है इन्होंने शायद अपना क्योंकि बहुत सारे लोग इनको बताओ क्या बोलते हैं, मैं नाम ले नहीं सकती ना आपका। अच्छा बताओ देव था इसीलिए इन्होंने अपना नाम आगे का वो रख लिया था और सूट ही देव दुर्गा के नाम से हो रहे इसीलिए। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मेरा नाम से अच्छा मेल बैठ रहा था ना। अच्छा मेल बैठ रहा था और पता है अब तो लोग मुझे इस नाम से पुकारते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। होता ही है वो एक कि चलो ठीक है दोनों का नाम साथ में आता है, लोग जानते हैं इस नाम से तो चलो। हाँ इसीलिए बनाया था कि अच्छा लग गया ना कि आपका नाम मेरे साथ रहे हमेशा, फेमस हो जाता मेरा नाम भी जुड़ा रहे है ना। सही बात है तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट उसका देख ही लिया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग जाके जरूर देखिएगा। और आज के मैं वीडियो में हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे कि आगे हमारी बात कंटिन्यू कैसे रही और फर्स्ट टाइम जो शब्द होते हैं प्यार वाले वो किसने बोले थे और कैसे बोले थे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं आगे की स्टोरी। बताओ आप कुछ है? मुझे क्या याद है हाँ बता दो। तो आगे फिर हमारी ना मैसेज पे बातें होती थी, कॉल पे तो होती नहीं थी इतनी ज्यादा क्या होती नहीं थी स्टार्टिंग में, सिर्फ मैसेज पे बातें होती थी और मैसेज भी मैं ही करती थी इनको, ठीक है इनका रिप्लाई वगैरह आ जाता था। बाकी ऐसा नहीं था कि ये चला के मतलब जैसे आजकल के लड़के होते हैं ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं लड़कियों को, वैसे वाला सीन यहाँ था नहीं। और फिर धीरे धीरे हमारी बात होना स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ मैसेज पे बात होती थी। फिर मैंने इनको फर्स्ट टाइम कॉल किया था, जब इन्होंने क्या किया मैंने इनको कॉल किया ना तो इन्होंने बताओ मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, मतलब मैंने कम से कम 4-5 बार कॉल किया होगा आपको, इन्होंने एक बार भी रिसीव नहीं किया। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार इतने दिन बाद मैं इनको कॉल कर रही हूँ और ये मेरा रिसीव ही नहीं कर रहे। आगे आप बताओ कि आपने क्यों नहीं रिसीव किया था उस दिन मेरा कॉल, कॉल लाने के लिए था ना, इन सबको बताओ ना मुझे तो पता था। अच्छा तो एक दिन मैंने बताया था ना आपको क्या कॉल लाने के लिए, फोन नहीं था ना पास में या शायद खाना खा रहे हो चार्जिंग में, फोन साथ में नहीं रखते ना कॉल का, अब तो रखते उस टाइम नहीं रखते थे। तो उस टाइम क्या हुआ था ना कि ये गए हुए थे कावड़ लाने, जैसे कि इन्होंने बताया फोन था इनका बैग में या फिर कहीं और, हाँ कॉल भी किया था बाद में थोड़ी देर बाद, हाँ रुके खाना खाने रुके थे तब किया था मैंने, तब कॉल भी हाँ। तो जगह भी याद है मेरे पास, कौन सी जगह जी डंडा पर बैठ पर बात करी साइड बाजार से। अच्छा वो जगह कितनी दूर जा बैठ के फिर बात करी, बहुत साइड में साइड में फिर उस टाइम इन्होंने कॉल पे बात करी थी थोड़ी सी करी थी शायद कि हम लोग ना कावड़ लेने, कावड़ का तो मुझे पता ही था मैसेज पे आपने बता दिया होगा, लेकिन ये बताया था कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ तो मैं कॉल पे बात नहीं कर सकता, शायद बारिश का मौसम था आपने बोला मेरा फोन भीग जाएगा तो मैं ना उसको पैक करके अंदर रख रहा हूँ ऐसा कुछ था, मेरे को तो ऐसे याद है थोड़ा। कावड़ के सावन में ले जाए बारिश का मौसम तो शायद हो सकता है फिर मैं सही हूँ क्योंकि मुझे भी याद आ रहा है, गलत होती भी नहीं ना। नहीं गलत की बात नहीं है, लड़कियों को याद रहता है ना, जैसे लड़कियों को झगड़े वाली बातें याद रहती है ना वैसे लड़कियों को प्यार वाली बातें भी याद रहती है, कब हमने फर्स्ट टाइम बात करी थी, कैसे करी थी, आप कहाँ थे, मैं कहाँ थी, ये सारी चीजें उसके बाद हमारी कॉल पे बात। मेरा वाला बर्थडे कब भूल लेते हैं ये अपन बाद में बताएंगे, ये तो शादी के बाद की स्टोरी है पहले की नहीं है ना। तो गाइस उसके बाद में हमने कॉल पे बात थोड़ी थोड़ी करना स्टार्ट कर दी, कॉल पे भी देखो इनका कम कॉल आता था क्योंकि जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि अभी भी काम को लेके बहुत ज्यादा अलग वो रहते हैं, इनको अपना काम सच में बहुत पसंद है और होना भी चाहिए, हर एक नहीं नाखून की लग गई तो लग जाएगी, तो हर एक इंसान को वो काम खुद का पसंद होता भी, जैसे कि मुझे अभी मेरा यूट्यूब पसंद है वैसे इनको अपना काम उस टाइम भी पसंद था तो ये बात नहीं कर पाते थे क्योंकि पूरा दिन बिजी रहते थे, अभी जैसे रहते हैं ना 8 बजे जाते हैं रात को 8 बजे आते हैं वैसा ही वाला सीन उस टाइम था, तो ये बात कम करते थे। तो फिर मुझे फील होने लगा कि यार ये बात नहीं करते हैं क्या बात है, मतलब पसंद नहीं हूँ मैं इनको या फिर क्या, शायद मुझसे पूछती भी रहती थी बार बार है ना कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या, पसंद नहीं हूँ क्यों बात नहीं करते हो मुझसे ऐसा कुछ कर, ऐसे ऐसे पूछती रहती है हमेशा जब भी बात करती थी ना, तो मुझे लगता था कि इरिटेट भी होते होंगे ये ना, इरिटेट भी होते होंगे उस टाइम
कि नहीं क्या एक ही बात कोई मतलब एक ही बैठ गई है। सर बताओ आपको मुझसे पसंद थी या नहीं थी? फिर उसके बाद में हमारी थोड़ी बहुत बात स्टार्ट हुई, मैं इनको कॉल कर लेती थी और मैं इनको इतने कॉल करती थी कि अब कभी कभार तो ना इनको भी वो चीजें याद आती, तो मेरे को कभी कभार बोलते भी है कि पहले तो आप मुझे कितने कॉल करते थे अब नहीं करते हो। लोग बातें करते थे स्टार्टिंग में तो ज्यादा नहीं करते थे, नॉर्मल करते थे, बाद में धीरे धीरे बताऊं आपको कैसे फर्स्ट टाइम जो तीन शब्द है ना प्यार वाले वो कैसे बोले थे हमने। क्या हुआ था ना, इनके मम्मी पापा गए हुए थे, ये तो कुछ अपनी तरफ से बताएंगे नहीं, मैं बताती इनको याद नहीं रहता। मम्मी पापा हालत बताएगा आपको क्या रात को लेट तक बातें करते थे, मेरे को नींद आती थी। हाँ वो भी बताओ सबको, बताओ ना क्या बताओ, मतलब खुद तो दिन में फिर बैठे रहते, दिन में नींद ले लेता वो, मैं पूरे दिन को सुबह को जल्दी उठ निकलता, अरे रात में फिर आपको तो नींद आने लग जाती है और इनकी मजाल आपको तो बात करने की, इनकी इतनी मजाल की ये मेरे को ये बोल देते कि ठीक है आप सो जाओ मुझे नींद आ रही है, ये मेरे को ये बोल भी नहीं पाते थे कि मुझे नींद आ रही है आप सो जाओ। ये आप लोगों को ये बताना चाह रहे कि मैंने इनको कितना वो टॉर्चर किया है, ये बताना चाह रहा ना आप? टॉर्चर नहीं किया, मैं बता रहा हूँ। तभी देखो इनको और कोई बात याद नहीं है, प्यार वाली कोई बात याद नहीं है इनको, और बातों का बोल रहे मुझे याद ही नहीं है, और ये वाली बात कितनी जल्दी इनको याद आई है। नहीं आप बताओ ना, आपको याद आया था कुछ फर्स्ट टाइम तो आपको कुछ याद आया? मतलब मैं ना इनको बातें बताती रहती थी और मैं इतनी बोलती थी, मैं इतनी बोलती थी, और ये आज भी वैसे ही है, मैं नहीं बोलता उस टाइम भी नहीं बोलती थी, और मैं बहुत ज्यादा बोलती थी। अब तो मैंने फिर भी धीरे धीरे कम कर दिया, बट मैं स्टार्टिंग में बहुत बोलती थी भाई, आप लोग तो सुन भी नहीं पाते, ये देख लो, ये तो ये थी, इन्होंने मेरे को झेला, बहुत बोलती थी मैं इनको, कभी कभार तो बीच में नींद आ जाती थी, ऐसा होता था ना, फिर मेरे को बताते नहीं थे कि मेरे को नींद आ गई थी, ये मेरे को बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं है बस ऐसे ही, मतलब क्योंकि नींद दिमाग में वो आंखों में नींद रहती थी ना, तो नींद आती तो अपने साथ ऐसा ही होता है, एक बात को कम से कम 10 बार इनको सुनाया है तो वो तो दिक्कत है ही नहीं, कि एक बार में नहीं सुनी तो एक बार नहीं सुनी तो दूसरी बार में सुन ली होगी, या तो बहुत बातें करते थे हम लोग रात की, मैसेज पे भी बहुत बातें करते थे रात के 1-1, 2-2 बजे तक हम लोग चैटिंग करते थे, पता आप सबको बहुत बातें की हमने, तो मतलब सगाई के बाद का जो हमारा रिलेशन रहा ना, वो एक जब शादी हुई ना तब तक हमारे बीच को मैं ये कह सकती हूँ कि लव मैरिज, सगाई के बाद की जो स्टोरी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी लव मैरिज ही, 2 साल रही थी, हाँ 2 साल सगाई रही थी हमारी, तो वो लव मैरिज 3-4 महीने बाद में स्टार्ट हो गई थी, तो हमने खूब बातें की थी, और वो टाइम मैं यूँ कहती हूँ कि शायद हमने इतना इंजॉय किया है, इतनी बातें करी है, या फिर मतलब वो खैर मतलब ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम दोनों अनजान है, हम दोनों ने दूसरे को देखा नहीं है ये वो, तो चलो आगे की बात करते हैं, देखने वाली नहीं देखने वाली, हमने देखा या नहीं देखा, कब इन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम वो शब्द बोले थे, तो क्या हुआ कि बातें तो हमारी खूब होने लगी थी, बट हमारे बीच में ऐसी बातें नहीं होती थी, नॉर्मल बातें होती थी, मैं इनको पुरानी चीजें बताती रहती थी, आज ऐसा हुआ आज वैसा हुआ, कभी कभार ये भी मुझे चीजें बताते रहते थे ना, तो एक बार तो आपको पता मैं मुझे छेड़ा भी था कि मेरी ना 3-3 गर्लफ्रेंड है, बताया आपको याद है आपको, इन्होंने मेरे को छेड़ा था, बोले मेरे 3 गर्लफ्रेंड है, मैंने कहा है, बोला एक तो मेरी छेड़ा क्या था, सही बताया था, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, इनको देखे लगता है सच बोलने पे विश्वास नहीं, तुम्हें क्या नहीं ऐसा कुछ था नहीं, तो बोलते हैं एक तो मेरी सिक्कर में है, तो मेरे को विश्वास हो गया क्योंकि इन्हें ना सिक्कर में मतलब हमारे पास पड़ता है सिक्कर, इसलिए मेरे को विश्वास हो गया ठीक है, दूसरी बोलते मेरी जयपुर में थी, तो मैंने कहा जयपुर भी ये रहे हुए हैं, इन्होंने स्टडी करी ना तब रहे थे ये, तो मैंने कहा वो भी हो सकती है, फिर बोलते हैं तीसरी मेरी कोटा में है, तो मैंने कहा हाँ ये भी हो सकते, तो मेरा एकदम माइंड वो सेट हो गया कि हाँ इनके तो 3-3 गर्लफ्रेंड है, लेकिन ऐसा मजाल कि मैं इनको बोल दूंगी कि अब मुझे नाम भी तो बताए क्या नाम बताए, नाम तो मुझे याद नहीं है, बस मुझे नाम मेरे को क्या अभी मेरे को याद है, मुझे सिर्फ जगह ही याद है, क्यों आपकी तो गर्लफ्रेंड थी ना, आपको याद कैसे नहीं है, नाम भूल गए आप? सोच रहे कुछ नए नाम ढूंढ रहे हैं मेरे को जलाने के लिए, इसके लगा दो, तो ना इन्होंने मेरे को ऐसे उल्लू भी बनाया था और मैं सीरियस हो गई थी, क्योंकि इन्होंने जगह ऐसी बताई कि मुझे लगा कि हाँ इन इन जगहों पे तो ये रहे हुए हैं, हाँ तो शायद हो भी सकती है, पर बाद में मैं ऐसे उदास हो गई थी, फोन पे मैं बोली नहीं, तब इन्होंने बोला कि मैं तो मजाक कर रहा था, और सच में मतलब मैं उस टाइम मेरी धड़कन है ना वो हार्ट बीट बोलते है ना वो बढ़ गई थी, सच में बढ़ गई थी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ गाइस, सच में मेरा वो मुझे एक पल के लिए यूं लगा कि यार मैंने तो इंसान दुनिया मैंने तो मतलब क्या सोचा था और क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, आपका शायद कॉल या क्या मैसेज आया था, मैंने भी बोला था आप बोले बात नहीं करोगे, शायद मैंने बोला था कि आपसे नहीं करूंगा तो किससे करूंगा, हाँ हाँ तो ये बहुत पहले की बात है, पहले की स्टार्ट की बात है, मैं
जगह तो मना ली। ये तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब इन्होंने मेरे को ये बोला था, स्टार्टिंग ही बात हमारी बात होने स्टार्ट नहीं हुई थी शायद, तो जगह भी याद आ रही है 50 है ना। हाँ यार ये चीज आपको याद है, ये तो मैं भूल गई थी बट अब आपने बताई तो मुझे याद आई, स्टार्टिंग में हमारी बात ही नहीं हुई थी ना उस टाइम की बात है, ये तो बहुत पुरानी कम होती थी ऐसे कभी कभी। तब मैं गई हमारी बातें खूब होने लग गई थी ना, तब मैंने इनसे कहा थोड़ा पास होना, आप दिख ही नहीं रहो। दिख रहा हूँ मैं, वीडियो लंबा होता जा रहा है। फिर ना मैंने इनसे कहा था हमारी क्या एक बार ना शायद रात के 1 बज गए थे, मतलब 12-1 बजे तक बात हो रही थी, तो मैंने इनसे फोन किया, बोला ठीक है गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर ये बोले, तो मैंने इनसे ये बोला तो स्टार्ट हो गए थे बोलना स्टार्ट से, ये तो स्टार्टिंग से बोले बोलते थे और हमारी बातें वैसे ही बातें कुछ नहीं होती थी हस्बैंड वाइफ वाली जैसी, नॉर्मल फ्रेंड्स की जैसे बातें होती थी, हम लोग इतने वो थे सिंसियर थे, और मैं अच्छा आप सिंसियर नहीं थे बचपन से, आपने तो कुछ कुछ नहीं बोला मेरे को कॉल वॉल पे, तो इसलिए मेरे को तो सिंसियर ही लगते थे। फिर ना उस दिन ना इन्होंने लगते तो नहीं मेरे सामने तो बोला कि ठीक है गुड नाइट स्वीट ड्रिंक टेक कर, ये चीजें हम लोग बहुत पहले ही बोलना स्टार्ट हो गए थे, तो उस दिन भी उन्होंने ये बोला। फिर मैंने इनसे कहा कुछ रह गया है कुछ और भी बोलना है क्या, तो इन्होंने बोला क्या बोलना हो, मैंने कहा कुछ भी जो आप बोलना चाहते हो आप बोल दो, बोले मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैंने कहा वही जो आप बोलना चाहते हो, तो बोलते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ ये आप मुझे बता दो, आपके मुंह से बोलना चाह रहा था ना, हाँ ये आप मुझे बोल के बता दो फिर मैं बोल दूंगा, तो मेरे को तो मैं तो कहा ये तो पकड़ी गई ना, सरमती आती है ना इस टाइम के कि वो तीन शब्द बोलना ही भी 1-4-3 ये चलता था तो फिर ना फिर मैं बहुत कोशिश करी था, बोला आप बस मेरे को शब्द बोल के बता दो बोल तो मैं दूंगा मैंने बोला नहीं था, मैंने कहा चलो ठीक है अगर आपको कुछ नहीं बोलना तो रहने देते हैं, जब आपको बोलना होगा ना तब बोल, अब समझ में तो मैं मुझे भी आ गया, अपना बात जी टाइम भी टाइम बात बोल लिया कौन सा पापा शायद मम्मी शायद बारह गेड़ा तीर्थ गेड़ा उस दिन की बात है, अकेले वो जगह भी मेरे को याद है, कहाँ थे आप ऊपर अपना छत पे चिमनी गए, अच्छा तो फिर शायद इन्होंने फोन रखते टाइम उसी दिन बोला था क्या, उसी दिन फोन रखते देखो इन्होंने ये भी बोला कि मेरे को बुरा लग जाता कि मैं तो बुलवाना चाह रही हूँ ये बोल नहीं रही, तो एक वो भी था, एक दूसरा ये भी था कि ये भी तो बोलना चाहते थे, बोलना तो चाहते थे ये भी, तो इनको भी वो मौका मिला कि ठीक है चलो ये बोल दिए तो मैं बोल देता हूँ, फिर इन्होंने वो तीन शब्द मेरे को बोले थे और रिप्लाई तो आपको बताइए मेरा तो जो होता वही होता, तो ऐसे हमारी जो प्यार की बात यहाँ से स्टार्ट होती, इससे पहले हम लोग बहुत नॉर्मल बातें करते, वो पहली बार शर्म आती है ना बाद में थोड़ी ना आती थी, लेकिन सच में एक चीज में आपको फर्स्ट टाइम बोला, फिर उसके बाद तो उसी दिन शायद दो तीन बार बोल दिया होगा। हाँ पर ना आपको एक चीज बताऊं क्या, मैं भले ही आपको तो मेरे को नहीं पता, आपका तो मैं नहीं कह सकती, पर मैं मेरा बता रही हूँ, आपने फर्स्ट टाइम बोला जितना अच्छा लगा उतना ही आप जब आज बोल दो ना तो बराबर ही लगता है मुझे, अच्छा अच्छा कि ये हर चीज को ना मेरी मजाक में लेते हैं, फिर इनको दिक्कत होने लगी मम्मी के फोन पे बात करते थे इसलिए, तब इन्होंने फिर मेरे लिए फोन गिफ्ट किया था, और मुझे फोन का कोई आइडिया नहीं था, मुझे नहीं बताया था ना शायद कि मैं भेज रहा हूँ, और इन्होंने जो फोन भेजा था मतलब मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मेरे पास इतना सुंदर इतना अच्छा सा फोन होगा, मेरे बुआसा गए थे यहाँ से, याद भी नहीं होगा कौन सा फोन था, क्यों नहीं याद है, होनर का था ब्लू कलर का, बहुत उसके पीछे की स्टोरी में हुई का होनर कौन था, किसका हवाई हवा हुई थे उसको सब तो होनर था, बहुत अच्छा फोन था, बहुत स्लिम सा ब्लू कलर का था, ब्लू कलर मेरा फेवरेट कलर, बहुत अच्छा था वो, तो मम्मी ने क्या बोला फोन देखते बोलो इतना महंगा फोन तूने मंगा लिया है ये वो, मैंने कहा मम्मी मुझे पता ही नहीं था कि वो मेरे लिए फोन भेज रहे, और वो भी इतना महंगा इतना अच्छा फोन, देखती तो बहुत अच्छा लगा था मुझे वो फोन, इतना स्लिम सा, जरूर है इमरजेंसी में भेजवा के चक्कर ऑनलाइन 1500 ऑफलाइन में भाई भाई सब इतनी नहीं जा रहा, अच्छा तो फिर 1500 रुपया एक्स्ट्रा लग गया ऑनलाइन 1500 फायदा होता तो 5000 का, तो आप उधर ही कर देते ना फिर एड्रेस, इतनी खोपड़ी जी ने चालती बोली 2017-18 की बात है, तो इन्होंने मेरे को वो फोन भेजा, फिर मम्मी बोलती कि ना इस फोन को यूज मत करना नहीं तो घुमा देगी तोड़, मम्मी ने फोन रखवा दिया घर पे, लेकिन मैंने कैसे तैसे करके उनको मनाया कि मैं बीएड करती थी कॉलेज जाती थी, इनसे बात करने के लिए फोन तो चाहिए था, इसलिए तो उन्होंने भेजा था बात करने के लिए, वरना तो फिर जरूरत ही क्या थी, फिर भी वो फोन आने के बाद में हमारी बातें और बढ़ गई, हम लोग बहुत बातें करी, मतलब आप लोगों को वीडियो में
बोल के नहीं समझा सकती कि हमने कितनी बातें करी, बट हमने बहुत बातें करी है। मेरा पूरा रास्ता जो कॉलेज का, मैं ऐसा भी नहीं मैं स्टडी नहीं करती थी, मेरे नंबर भी अच्छे बने बीएड में। आप लोग ये मत बोल देना कि पढ़ाई पढ़ाई तो करती नहीं थी, सारे दिन बातें करती थी, पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई करती थी, बट उसके अलावा मैंने ये खाया है, मैंने ये पिया है, मैंने पानी पिया है, मैं ये खाना खा रही हूँ, आपने खाना खाया क्या, ये सभी करते हैं। अदरवाइज इसके अलावा ना एक चीज और बता दूं कि हमारी बातें इसके अलावा ऐसे नहीं गई कि शादी में मेरे लिए क्या लाओगे, मेरे लिए क्या गिफ्ट होगे, क्योंकि मैं इतनी वो मेरा बिल्कुल भी नहीं था, और ना ही इनका था कि शादी में क्या कर रहे हो, क्योंकि आजकल के जो हस्बैंड वाइफ है ना वो इन चीजों में घुस जाते ना, तभी उनके बीच में लड़ाई हो जाती है बस। बाकी अगर आप इन चीजों में नहीं घुस के नहीं होती ना, बट इतनी सीरियस नहीं होती ना वो करती थी। और बाई चांस अगर मैं इनको फिर कभी कॉल नहीं करती ना, बस से उतर के मैं परेशान हो जाती थी, मैं घर पहुंच के इनको मैसेज करती, तो एक गुस्सा और हो जाते थे कि अच्छा कॉल नहीं किया मेरे को उतरते ही। बाद में इनका नेचर चेंज हो गया था, जैसे स्टार्टिंग में था ना वैसा नहीं रहा था, ये भी मुझे लेके बहुत ज्यादा केयरिंग हो गए थे, इनको भी मतलब टाइम टू टाइम मैसेज चाहिए था, कॉल चाहिए था, आदत हो जाती ना इंसान की, वो वाली चीज हो गई थी, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे कि चलो चेंज हो गए। उसके बाद में हमारे इन्होंने मुझे मेरे लिए गिफ्ट भी भेजे थे, जो कि मैंने आपको वो तो पर्स तो आपने पहले ही भेज दिया था, अब बाद में इन्होंने मेरे लिए ना कुछ टॉप वगैरह भी भेजे थे, ये साउथ गए थे उस टाइम। तो बस ये थी हमारी प्यारी सी स्टोरी। और बातों तो देखो सारी बातें तो याद रहती नहीं है, बट खूब बातें होती थी, लड़ाई बहुत कम होती थी, लड़ाई आधे घंटे तक ही रहती थी हमारी। जैसे मान लो नाराज हो गए ना, तो या तो आधे घंटे बाद में ये मुझे मनाते थे, या आधे घंटे बाद में मैं इनको मना लेती, बाकी ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग पूरे दिन बात किए बिना रहे हो। वैसे ये थी हमारी सगाई के बाद की स्टोरी, और नेक्स्ट शादी के बाद की स्टोरी तो आपको क्या ही बताएंगे हम लोग, तो बस अपने इस कहानी के पार्ट्स को यहीं पर एंड करते हैं। और कट रही है ना क्या सदी तो कट रही है, ऐसा कुछ नहीं है, आज भी मैं खुश हूँ, आज भी मैं खुश हूँ, सच में दिल से खुश हूँ, ऐसा कुछ नहीं है क्या, दिखाओ दे तो सब बोलते हैं बहुत हंसी रहती है, बताने की जरूरत ही नहीं है। बाकी तो देखो लाइफ है, कभी कभी सिचुएशन चेंज हो जाती है, कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है, तो गुस्सा होता है ना, तब भी चलने से पहले भी दो मुक्के मारे थे याद रखते हैं। इतना वो बदनाम मत करो, मुझे झूठ बोलते हैं। आपको लगता है कि मैं मुक्के मारने वाली हूँ और ये खाने वाला है? ये तो बात आपको समझनी चाहिए ना, क्या कि मैं मार दूंगा तो क्या होगा, मुक्का आप मार दोगे तो मैं भी आप मुक्के मारने वाले, जब मैं मारूंगा तो क्या होगा, आप मारोगे तो क्या होगा, क्या होगा मतलब। सो गाइज आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, होप ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, और ज्यादा माइंड मत करना हमारी स्टोरी को, कुछ अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है, और आपको कुछ गलत लगा, कुछ बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी, माफी चाहते हैं आप सबसे। और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो ताकि आप लोग हमारे नेक्स्ट व्लॉग्स नेक्स्ट वीडियोज देख सके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, खमा गणेशा। Thank you.